हमने इसी टॉपिक के अंदर हमने इसके लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किए थे, हमारे पास क्या था कि कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पाए जाते हैं। स्टूडेंट अब जो है ना हम लोग इनकी जो कंपोनेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं इन सबको जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सबसे जो फर्स्ट हमारे पास जो इसका कंपोनेंट है, पहला इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, इसका वेपोराइजेशन चैम्बर है। अब स्टूडेंट देखेंगे आप इसके नाम से नजर लगा सकते हैं कि हमारे पास जो वेपोराइजेशन चैम्बर होता है वो क्या होता है। वेपोराइजेशन क्या होती है हमारे पास, यानी कि इसके वर्ड में देखें वेपर, यानी कि वेपर बनाने का जो अमल है वो हमारे पास किसके अंदर होगा, हमेशा वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इस यहाँ पर ये वेपोराइजेशन चैम्बर है, अगर देखा जाए तो कैसे कि इनमें वेपोराइजेशन चैम्बर हमारे पास क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो गैस फेज में है हमारे पास, कुछ हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है और कुछ हमारे पास क्या है लिक्विड के अंदर है। अब देखेंगे हमारे पास जो गैस के अंदर है उसको तो हमें इजीली जो है वो हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर में उसको काम ही नहीं है, हमें वो डायरेक्टली हम उसको जो है अनदर चैम्बर में उसको जो है वो कर देंगे, मालिक को उसको एजेक्ट कर देंगे। बट अगर हमारे पास जो एलिमेंट है, सपोज कर लिया कि हमारे पास जो एलिमेंट है अगर लिक्विड के अंदर आ गया या हमारे पास सॉलिड के अंदर आ गया, तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, वेपोराइजेशन चैम्बर के जरिए हम उसको पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये गैस में गैस के मालिक्यूल्स कम होगा, आपको अच्छे से पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे, अब देखेंगे हमारे पास जो अगर सॉलिड में है तो सबसे पहले हम उसको टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे उसको दोबारा एट हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको हम लोग क्या करेंगे वेपोरेट करवाएंगे, यानी कि उसके वेपर्स बनाएंगे। तो ये जो अमल है हमारे पास किसका, जिस चैम्बर के अंदर होता है उसको इसी प्रोसेस का नाम दिया जाता है जिसको आप लोग कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। अब देखेंगे इन वेपोराइजेशन चैम्बर द सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द गैस और वेपर्स एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है लिक्विड है चाहे हमारे पास सॉलिड है स्टूडेंट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं एट हाई टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, किसके अंदर, गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट जो सेकंड हमारे पास का जो हमारे पास कंपोनेंट था मैस स्पेक्ट्रोमीटर का वो हमारे पास है आयोनाइजेशन चैम्बर। अब देखिए हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है आयन। देखिए इसके जो आयोनाइजेशन के अंदर एक वर्ड है आयन, यानी कि आयन बनाने का जो अमल है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आयंस या कन्वर्ट इनटू द आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। यानी कि आयोनाइजेशन में हम क्या करते हैं चैम्बर के अंदर हम जो जिस मॉलिक्यूल को या जिस हमारे पास जो हमारे पास सैंपल था उसको हमने कन्वर्ट किया था गैस के अंदर स्टूडेंट, तो हम उसको क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हम आयन बनाते हैं। अब देखेंगे आयन कैसे बनाते हैं, लास्ट टाइम देखें मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ कि देखेंगे हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट या एटम है जब वो इस चैम्बर के अंदर इंटर हो जाते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या लगा होता है फिलामेंट लगा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है अटैच होता है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्या होगा कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा यानी कि टर्मिनल जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो जो हमारे पास कैथोड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकलेंगे जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से खारिज होंगे उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, अल्टीमेटली बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही वो रे वहां पर निकलेंगे तो देखे नीचे हमने पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो भी लगा रखे हैं, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा पॉजिटिव को क्या करेगा जो नेगेटिव पॉजिटिव है इनके दरमियान क्या होगी अट्रैक्शन होगी। अब क्या होगा कि जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स गुजर रहे होंगे तो ये उनके साथ क्या करेंगे जो हमारे पास कैथोड रेज है इलेक्ट्रॉन उनके साथ स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, हाई जो हमारे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके साथ स्ट्राइक करेगा। जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि उस एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी निकालेगा वो और खुद भी वहां से निकल जाएगा, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी कि वो हमारे पास आयन बन जाएगा। अब जैसे वो आयन बन गया तो आगे हमने एक नेगेटिव प्लेट लगा रखी होती है एक्साइटिंग प्लेट जिसको कहते हैं और इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया होता है जो हमारे पास क्या 500 से लेकर 2000 वोल्ट के दरमियान क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टूडेंट इस पर अप्लाई किया होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर आयन जो आयन होगा जो उसके ऊपर जारी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो वो क्या करेगा तेजी के साथ स्पीडली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब वो जैसे स्पीडली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो तेजी के साथ इसमें से गुजर जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो वोल्टेज अप्लाई करना है वो हमने ज्यादा अप्लाई करना है। तो हमारे पास आज से चैम्बर क्या था इसी के हम उसको आयन कैसे बनाते हैं, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास स्ट्राइक विद द सैंपल सैंपल के साथ स्ट्राइक करेगा इट इजेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मेड अ आयन, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर आयन के अंदर। और यूजुअली जो हमारे पास आयन होता है जो मोस्टली बनता है वो हमारे पास पॉजिटिव आयन ही बनेगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखे इन दिस चैम्बर सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द आयन, यानी कि जो सैंपल होता है ये जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट उसको आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड टू द सैंपल इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस एंड फॉर्म आयन, यानी कि जो हमारे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जैसे स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर
जो सब चांस है सैंपल है उसके ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और उसको ऊपर यूजुअली पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो हमारे पास आयन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास के इलेक्ट्रिक फील्ड है कि हम है इसी पोर्शन के अंदर, आपको जैसे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो अप्लाई किया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव के साथ वो आपस में अटैच है प्लेट्स। अब देखें कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये ट्यूब है स्टूडेंट, इसके अंदर हम प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। अब हम प्रेशर कितना रखते हैं, 10^-6 to 10^-7 जो टॉर है वो हम इसका प्रेशर रखते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जो है एक जो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है शुड भी वो हमारे पास कितना होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पर प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो हमारे पास कितना होगा, 500 से लेकर 2000 वोल्ट के दरमियान होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, मेन चीज हमारे पास यही है, लेकिन अगर हमारे पास के वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कम रखते तब क्या होता, क्वेश्चन है ना हमारे पास, अगर कम रखते जारी बात है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता तो ये इसको जो पॉजिटिव आयन आ रहा है उसको बहुत कम तरीके से अट्रैक्ट करता, यानी कि बहुत स्लो अट्रैक्ट करता, बहुत कम थोड़ी सी ताकत के साथ उसको अट्रैक्ट करता, तो पॉजिटिव आयन इस जाली के साथ जाकर क्या हो रहा था, चिपक रहा था, यहां से गुजरता ही ना वो। बट जब हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई किया है तो उसका मतलब क्या होगा, ये तेजी के साथ इसमें से गुजरेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करने का जो इसका मकसद हमारा वो यही है कि ये यहाँ पे रुके ना, बल्कि स्पीड के साथ क्या हो यहाँ से गुजर जाए और इन जो होल्स हैं इनके अंदर से गुजर के एक एक्सेलरेटिंग आयन की जो बीम है वो बना ले हमारे पास। तो ये क्या होता है हमारे पास जो मेन प्रोसीजर है वो हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम होता है हमारे पास, जो मैंने आपको बता दिया दो काम है, एक तेजी के साथ गुजर जाए इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है कि वो उस होल में से गुजर के एक जो है प्रॉपर जो है एक सिक्वेंस के साथ एक लाइन के साथ एक बीम ऑफ जो आयन है वो बना ले उसको। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी, इलेक्ट्रॉन फील्ड द आयन आर एक्सेलरेटेड एंड प्रोड्यूस अ बीम ऑफ आयन, क्या करते हैं बीम ऑफ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास के मैग्नेटिक फील्ड है, पेपर में जो है ना अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है इस जो है टॉपिक में से, कि राइट द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के जो मेन फंक्शन है वो हमें बताएं। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे 3D बना नहीं सकते क्योंकि ये इस तरह लगा होता है, यानी कि ऊपर नीचे होते हैं हमारे पास, यानी कि साउथ नॉर्थ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है और इसके दरमियान से जो है वो ट्यूब गुजर रही होती है। अब यहाँ पे हम बना सकते थे, हमने यहाँ पे इस तरह बना दिया, आपको शो कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे जब इस मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ, जैसे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो बेसिक वर्क होता है वो क्या होता है, अब जारी बात है जो ये बीम गुजर के जा रहा है, इस बीम के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट पाए रहेंगे, यानी कि नियॉन की हम बात कर रहे हैं, 20 भी पाया रहेगा, 21 भी होगा हमारे पास, इसमें 22 भी होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन तीनों को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, यानी कि उनको जो है डेविएट करेगा, यानी कि मोड़ देगा, 20 वाले होगा, 21 वाले होगा, तीनों का क्या हो जाएगा, रास्ता जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन फंक्शन तो यही होता है, द मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस, किस बेस के ऊपर ये करते हैं, मैस ओवर चार्ज वैल्यू, मैस टू चार्ज रेशो होगी हमारे पास, उस रेशो को बिना देखा करेगा इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है मैस एम ओवर ई क्या होता है हमारे पास मैस, यानी कि जो मैस है, और नेक्स्ट क्या हमारे पास चार्ज, यानी कि जो उसको चार्ज होगा, इन दोनों की रेशो की बुनियाद बिका करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जिसकी चार्ज मैस रेशो होगी वो शायद पहले हो जाएगा, इसकी हल्की होगी वो, इसकी ज्यादा होगी उससे वो नीचे, जिसकी उससे ज्यादा होगी उससे नीचे, इस तरह क्या करेगा ये उनको सेपरेट करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे फार्मूला भी इस्तेमाल होता है और इस फार्मूला में जो है काफी सारे जो है हमारे पास एमडी कैट है उसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो इसमें एच क्या है हमारे पास, आर क्या है, ई क्या है हमारे पास, एम क्या है, एम ओवर ई क्या है हमारे पास, इसके बारे में स्टूडेंट आपको पता चाहिए। देखेंगे हमारे पास जो यहाँ पर एम ओवर ई है फ्रेंड वो क्या है हमारे पास, मैस टू चार्ज रेशो, ठीक है, मैस जो मैंने वहां पर आपको चीज बता दी है कि मैस होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या हमारे पास एच क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा इसकी भी तो कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, जैसे स्टूडेंट हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो एच क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, जो स्ट्रेंथ होगी उसको डिनोट करेगा, जबकि जो आर है ये हमारे पास के रेडियस ऑफ आइन है वी इन विच इट मूव्स, जिसके अंदर वो मूव करेगा। अब देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो ये 20 का लाइन है, जब ये इसके रेडियस हमारे पास अगर सपोज कर हम निकाल जा रहे हैं तो हमारे पास इसके रेडियस हमारे पास इस तरह होगा कि ये इस रेडियस के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर हम 21 वाले की बात करें तो हमारे पास ये इस तरह मूव कर रहा होगा, अगर हम यहाँ बात करते 22 वाले की तो इस तरह मूव कर रहा होगा, और रेडियस का आपको पता है कि सेंटर से लेकर जहां तक का जो फासला है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। यानी कि अगर हम एक एटम का, यानी कि तीनों का यहाँ पे हम डिफरेंट मालूम कर सकते हैं कि आयन जो है इस तरह ये मूव कर रहे हैं। अब जो हमारे पास यहाँ से लेकर सेकंड वाले का होगा यहाँ तक होगा, थर्ड वाले का हमारे पास यहाँ तक होगा,
यानी कि इन तीनों का जो रेडियस है हमारे पास डिफरेंट, यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं। इसी चीज को उसने यहाँ पर आर के साथ क्या किया है, डिनोट किया, जबकि ई हमारे पास क्या स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया 500 टू 2000 वोल्ट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस है हमने यहाँ अप्लाई किया, तो ई यहाँ पर क्या करता है उस चीज को यहाँ पर डिनोट करता है। आर बेसिकली देखें हमारे पास यहाँ पे रेडियस है कि जिस रेडियस के अंदर जो ये आइन है, ये आइन मूवमेंट कर रहा है, इसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पर आर के साथ डिनोट किया गया, उसको स्केयर किया गया। तो ये था हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला।